नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजे मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि आईएमडी का डबल अपडेट, यूपी के इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, आंधी वज्रपात की भी चेतावनी। तो चलिए जानते खबर को विस्तार से कि किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम को लेकर मौसम की भविष्यवाणी। खबर में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपको बता दें जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बारिश न होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। मानसून सक्रिय होने के बावजूद कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। वहीं बीच बीच में धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी बरकरार रही तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा आने वाले 3 दिनों तक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए पूर्वी यूपी के 23 जिले ऐसे हैं जहां मेघ गर्जन के साथ वज्रपात तथा अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ घंटों में मानसून अब अपना रौद्र रूप दिखाएगा। इस दौरान मूसलाधार बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं आपको बता दें कि गोंडा बैराज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिलों में अच्छी बरसात होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बादलों की आवाजाही के बीच गोंडा में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग से अब राहत भरी खबर है। यूपी की गोंडा बैराज सहित उत्तर प्रदेश के 23 जिले ऐसे हैं जिसमें मानसून के एक्टिव होने से मूसलाधार बारिश के साथ आंधी और बिजली की चेतावनी जारी की गई है। आज तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। यूपी के अन्य स्थानों पर अगले कुछ घंटों में लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देवीपाटन मंडल के गोंडा बैराज, बलरामपुर सहित आसपास के जिलों में आपको बता दें औसत से कम बारिश हुई। इसी बीच चलिए जानते कि मौसम विभाग ने किन जिलों में मेघ गर्जन, मूसलाधार बारिश और वज्रपात के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, बैराज, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, जिसमें बैराज और गोंडा में रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात के लिए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मौसम अब तेजी से बदला है। खास तौर से पूर्वांचल में भी बारिश शुरू हो चुकी है। किसानों को भी इस बारिश से राहत मिली है जिससे सूखे के कारण उनकी जो फसलें बर्बाद होने की स्थिति में थी उन्हें अब नया जीवन मिल चुका है। अंत में आपको यह भी बता चले कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में तेज बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव यहां भी देखने को मिलेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के एक वैज्ञानिक और भी हैं, मोहम्मद दानिश। उन्होंने बताया कि तराई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHGV India को सब्सक्राइब करें।